अब तक आपने देखा कालिया के विष्णु भक्त पुत्र पारस को अग्नि की भेंट चढ़ाने हेतु कालिका करती है अग्नि कक्ष का निर्माण। दूसरी ओर पुत्र वियोग में यशोदा महादेव के शिवलिंग पर 101 बार जलाभिषेक करने का कठोर संकल्प लेती हैं। मथुरा में केशनी विष्णु विरोधी कंस को नारद मुनि से भेंट कर उनसे विष्णु के विराट शत्रु का पता लगाने का सुझाव देती है। अंततः कान्हा विधि के विधान को सिद्ध करने हेतु कालिया नाग के संहार का संकल्प लेते हैं। अब आगे इतना दुखद है ऐसे निर्दोष बालकों को काल का आहार बनाकर सौंपना, किंतु आज्ञा पालन के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है बालकों मेरे पास। नागराज कुमार पारस, तुम्हारी अंतिम यात्रा का समय आ गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे भी चलना है ना? नहीं, अभी मेरे साथ केवल पारस जाएगा। कान्हा, तुम्हें अपने बुलावे की प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है, जाओ पारस, मैं बीच मत होना। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे तनिक भी भय नहीं है कान्हा। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पारस, समय है अभी, अपने पिता नागराज कालिया की बात मान लो। उनके कहने का अर्थ है कि मैं भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दूं। हाँ, छोड़ दो उस विष्णु की भक्ति को, तुम्हें जीवन मिल जाएगा। जीवन के मोह में पड़कर मैं भगवान विष्णु की भक्ति क्यों छोड़ू मायासुर? कान्हा ने कह दिया है मुझे कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है। इसका तात्पर्य ये हुआ पारस कि तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं है। ये तो केवल अपने भगवान विष्णु से मोह है और उनकी भक्ति से मायासुर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उचित कहा था नागराज कालिया ने, तू सच में नागवंश के लिए कलंक है, किंतु मैं इसे समाप्त करता हूँ। अरे कुछ नहीं रखा इस विष्णु के जप में, छलिया है वो। सुन रहा है ना, तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? मैं जो विष्णु मंत्र का जाप कर रहा हूँ वो तू सुन रहा है ना मायासुर? इस मंत्र की महत्वता ये है कि जाप करने वाले के साथ साथ सुनने वाले के भी पाप कट जाते हैं मायासुर, और वो अधिकारी हो जाता है श्री विष्णु के दर्शन प्राप्त करने का। विष्णु विष्णु विष्णु। प्रताड़ित नहीं कर रहा हूँ अपितु, मैं इसकी आंखें खोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं इसको जीवन देने का प्रयास कर रहा हूँ। जीवन देना और मृत्यु से बचाना विधाता के अधिकार में है मायासुर। कालिया की कोख से तुम अपने जीवन को बचाएंगे सोचो, तुम्हारा दायित्व है मृत्यु से पूर्व की तैयारी भी ध्यान देना। केवल उस पर ध्यान दो मायासुर। वैसे भी एक बात स्पष्ट कर दूं मैं मायासुर, इन विधि विधानों का व्यर्थ कदापि नहीं कि मेरे मित्र की मृत्यु निश्चित है। नारायण नारायण,
ये लीला केवल कान्हा ही कर सकते हैं। भगवान भक्त का अभिषेक करें, संभवतः यह संसार में पहली बार हो रहा है प्रभु। सत्यदेव ऋषि, कान्हा ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि जब भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एकाकार हो जाते हैं। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। नारायण नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुत्र को आप पर अटूट विश्वास है प्रभु, उसके विश्वास को टूटने मत दीजिएगा, अन्यथा संसार का विश्वास उठ जाएगा आप पर से। ओम नमः शिवाय। हाँ प्रभु, नीचे उतरो। ध्यान मुद्रा, भक्ति छलिया। नारद मुनि उठो, देखो कौन आया है। स्वयं भगवान कंस आए हैं तुम्हें आशीर्वाद देने। उठो। नारद, गहरे ध्यान में आइए। तुम कैसे भंग होगा इसका ध्यान? क्या व्यर्थ जाएगा भगवान कंस का ही माले आना? नहीं, कदापि नहीं। सर्वशक्तिमान भगवान हूं मैं, और भगवान कंस के तरकश में युक्तियों के कई तीर हैं, किंतु इस समय किस तीर का प्रयोग करूं मैं? बल का? नहीं नहीं नहीं, क्रोध का? नहीं, तो किस तीर का प्रयोग करूं मैं? विचारों का तीर। वही ऐसा तीर है जो प्रकाश की गति से भी तीव्र चलता है। वही भेदेगा इसके मस्तिष्क को, जगाएगा इसे इसके ध्यान से। नारद, भगवान कंस का प्रहार सहने के लिए तैयार हो जाओ। We'll be right back.
आशीर्वाद। क्या हुआ, भय लगा नारद? ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। भय और मुझे कदापि नहीं कंस। वो तो मैंने तुम्हें अपने ध्यान में देखा तो सोचा कि तुमसे पूछ लूं कि यहां पर आने का तुम्हारा कारण क्या हो सकता है। नारद मुनि, मुनि श्रेष्ठ, मिथ्या मिथ्या कह रहे हो? नारायण नारायण, मैं मिथ्या नहीं कहता कंस। रुको नारद, सत्य बताए बिना तो तुम जा ही नहीं सकते नारद। नारायण नारायण, तुम मुझे रोकोगे कंस, जिसकी रक्षा के लिए स्वयं मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु है, उसे संसार की कोई भी शक्ति ना तो रोक सकती है, ना बांध सकती है, और ना ही अहित कर सकती है कंस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण, मुझे रोकने चले थे? रुक नारद, बिना मेरी अनुमति के तुम यहां से जा पाओगे नारद? नहीं जा पाओगे, और अनुमति तब मिलेगी जब मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे। और प्रश्न ये है, विष्णु का ऐसा कौन सा शत्रु है जो शत्रुता के उपरांत भी जीवित है? तो सरल प्रश्न है, कौन है बताओ? नारायण नारायण, मैं नहीं जानता कंस। बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिए तुम जा नहीं सकते नारद। मैंने कहा ना कंस कि मैं नहीं जानता। जानते हो तुम, जानते हो नारद, शीघ्र बताओ अन्यथा उदर की पीड़ा से व्यथित हो जाओगे। मैं नहीं जानता। हे प्रभु, किस संकट में फंस गया हूं मैं? जाना चाहते हो तो बता दो, बता दो और चले जाओ, पीड़ा समाप्त। मैं नहीं जानता, मेरे पेट की पीड़ा बढ़ती जा रही है, मैं क्या करूं? उपचार बता तो रहा हूं, बता दो नाम। मैं नहीं जानता। हे प्रभु क्षमा कीजिएगा, यह व्यथा सही नहीं जा रही है, मैं क्या करूं? उसका नाम है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देखा कितना सरल था। भगवान कंस को विजय तिलक लगाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद नारद। कंस, नारायण नारायण, क्षमा चाहता हूँ प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, इस भूल का क्या परिणाम होगा प्रभु? नारायण नारायण। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। प्रभु मुझे क्षमा करें। क्षमा? किस बात के लिए क्षमा? क्या हुआ देव ऋषि? पेट में बात ना पचा पाने के लिए, इस स्वभाव के चलते मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। कान्हा के शत्रु की मैंने सहायता कर दी प्रभु। हाँ प्रभु, अब तो वो शुक्राचार्य से शक्तियां प्राप्त करके और भी बलशाली और भी अहंकारी हो जाएगा प्रभु। मैं लज्जित हूं प्रभु, क्या कारण ही मैंने कान्हा के लिए समस्या खड़ी कर दी। देव ऋषि, इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता, सबके पीछे उस कान्हा की ही इच्छा है। बिना कान्हा की इच्छा के इस संसार में पत्ता तक नहीं हिलता।
इसलिए आपसे भी जो हुआ है वह कान्हा की इच्छा के अनुसार ही हुआ है। इस संसार में सब कुछ कान्हा की माया के अधीन है। किस माया का कौन सा सिरा कब किससे कैसे और कहां जाकर जुड़ जाए, ये या तो केवल कान्हा जानते या आने वाला समय बता सकता है। नारायण नारायण। प्रभु आपने मेरी चिंता हर ली, आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। यशोदा रुको, लगता है महादेव की इच्छा नहीं है कि तुम अपना संकल्प पूरा करो। नंद जी, ये संकल्प एक माँ ने किया है और एक माँ के संकल्प को खंडित करने की शक्ति महादेव में नहीं। यशोदा दीदी, यशोदा आगे जाना खतरनाक है। यशोदा भाभी ने महादेव को यशोदा दीदी ने नहीं, एक माँ ने झुकाया है। देखियो, जिस संतान की माता यशोदा काकी जैसी होंगी, उस संतान का ये संसार की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। घटने वाली सभी समस्याओं का ज्ञान है मुझे कि क्या क्या घटित हो रहा है। कान्हा, तुम इतने जटिल समय में भी मुस्कुरा कैसे लेते हो? इसलिए कि चिंता समस्या का समाधान नहीं है, और समस्या का समाधान है तो चिंता कैसी। पुत्र पारस, कैसे हो तुम? तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। पुत्र, बस एक बार अपने मुख से माता कह के पुकारो पुत्र, मेरा हृदय जुड़ा जाएगा। पुत्र पारस, पुकार कर उसे, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। तुम्हारा स्वर वो नहीं सुन सकता, ना ही वो तुम्हें देख सकता है। तुम दोनों के मध्य आवरण जो है, किंतु हाँ, तुम उसे सुन सकती हो। उसकी मृत्यु के समय उसकी करुण पुकार को सुन सकती हो। सुनिधि, मुझे एक बात का दुख है कि तुम अपने पुत्र की तनिक भी सहायता नहीं कर सकती हो। उसके आग में जलकर मरते हुए ना ही तुम उस पे ममता का हाथ फेर सकती हो, और ना ही उसे अपने हृदय से लगा सकती हो। स्वामी, पांव पड़ती हूँ मैं आपके, पुत्र है वो आपका, इतने निर्मम मत बनिए स्वामी। ए, पुत्र नहीं है वो, ऐसे पुत्र को पुत्र कहना भी अपमान होगा, शत्रु है वो मेरा। पारस, प्रणाम माता। ने माता कहा तो माता शब्द का धर्म निभाना तो अनिवार्य हो गया। जिस स्थान पे तुम खड़े हो ये लाक्षाग्रह है, ये जब जलता है तब तब तक शांत नहीं होता जब तक सब कुछ जलकर भस्म ना हो जाए। इसमें ना जलो, एक अंतिम अवसर है तुम्हारे पास। उस विष्णु की भक्ति छोड़ दो अभी और इसी क्षण, अभी और इसी क्षण, और इसी क्षण। और इस मृत्यु घर से बाहर निकल जाओगे। तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच की जो ये दूरी कम हो रही है वो बढ़ जाएगी। अन्यथा
तुम्हारी इस माता के पास तुम्हें मारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। कान्हा, पारस, अपने आत्मा की सुनो, क्योंकि आत्मा कभी भी अनुच्छेद या असत्य नहीं कहती। और वही कहो माता, मुझे मृत्यु स्वीकार है, स्वीकार है। इसका अर्थ है कि मैं भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तुमने अपनी मृत्यु स्वयं आमंत्रित की है, तो अब इसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ।